साइकोलॉजी कहती है कि यदि आपको एक ही समय में दो लोगों से प्यार हो जाता है और उन दोनों में से किसी एक को छोड़ना पड़े तो आप हमेशा पहले वालों को ही छोड़िए, क्योंकि आपको सच में पहले वाले से ही प्यार होता तो दूसरा आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आता। मनोविज्ञान कहता है कि यदि आपसे कोई पेन मांग रहा है तो उसे पेन दे दीजिए, लेकिन उसकी कैप अपने साथ ही रखिए, क्योंकि बिना कैप के पेन ज़्यादातर लोग जेब में नहीं डालते और वापस कर देते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार किसी इंसान के कुछ समय के व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अपने सबसे अच्छे दोस्त से शादी करने से तलाक का जोखिम 70% तक कम हो जाता है और उस शादी के जीवन भर चलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके बारे में दिन भर सोचता रहे तो उस व्यक्ति से रात को सोने से पहले बात करें। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग दूसरों की बुराइयां आलोचना करते रहते हैं उनके अंदर आत्मसम्मान की कमी होती है। अगर आप में भी यह आदतें हैं तो इसे जल्द से जल्द ठीक कीजिए। साइकोलॉजी के अनुसार सेक्स हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होता है। इसके बिना इंसान के डिप्रेस होने के चांस 80% तक बढ़ जाते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार एक व्यक्ति की कपड़े पहनने की समझ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। जब वह अपना नौकरी के लिए इंटरव्यू देता है तो इंटरव्यू में उसके ज्ञान से भी ज़्यादा उसके कपड़े पहनने का तरीका मायने रखता है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा दिमाग कभी भी डेंजर फूड और सेक्स के लिए नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हमारा दिमाग ऐसे लोगों के पीछे भागता है जो हमें इग्नोर करते हैं, और जो हमारे साथ रहते हैं उन्हें दिमाग इग्नोर करना शुरू कर देता है। साइकोलॉजी कहती है कि चिंता चिता के समान होती है, क्योंकि जब आपका दिमाग कुछ सोचता है तो उसका प्रभाव आपकी कोशिकाओं में भी पड़ता है। इसलिए ज़्यादा बुरा सोचने से आपके शरीर पर उसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार एक लड़की किसी लड़के को तब तक ही अच्छी लगती है जब तक कि वो उसे पा नहीं लेता है।